नमस्कार, एमपी लाइव बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश और खबरों की शुरुआत करते हैं अभी तक की हेडलाइंस के साथ। सामूहिक सूर्य नमस्कार का हुआ आयोजन, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बच्चों के साथ किया योग। मुख्यमंत्री निवास पर हुई विद्यार्थी पंचायत, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा 12वीं में 85% के साथ राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश पर सरकार भरेगी पूरी फीस। विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर गुप्ता ने की आईटीआई पार्क में निर्माण कार्य की समीक्षा। और राजस्व मंत्री रविशंकर गुप्ता ने किया ट्रॉफी इंटर स्कूल क्रिकेट प्रतियोगिता के विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत। और अब खबरें विस्तार से। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मध्य प्रदेश में सामूहिक सूर्य नमस्कार का आयोजन किया गया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में सूर्य नमस्कार किया। स्कूल शिक्षा मंत्री विजय शाह और स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री दीपक जोशी ने सूर्य नमस्कार किया। उस दौरान मुख्यमंत्री ने बच्चों को योग के फायदे बताए। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद से काम करने की प्रेरणा मिली। वहीं बच्चों ने कहा कि सूर्य नमस्कार से उनका ध्यान एकाग्रचित होता है। सूर्य नमस्कार व्यायाम भी है, सूर्य नमस्कार योग भी है। सूर्य नमस्कार में जो सारी प्रक्रिया है, अलग अलग आसन भी होते हैं। इसलिए और कुछ ना कर सके, केवल सूर्य नमस्कार भी हमने कर लिया तो हमारा संपूर्ण व्यायाम भी हो जाएगा, योग भी हो जाएगा, और उसके साथ अगर थोड़ा प्राणायाम कर लिया तो मामला परफेक्ट है, फिर और कुछ करने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री निवास पर गुरुवार सुबह आयोजित छात्र पंचायत में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षाएं फिर शुरू होंगी। सीएम ने कहा कि 85% अंक लाने वाले विद्यार्थी को अगर बड़े शिक्षण संस्थान में एडमिशन मिलता है तो उसकी फीस सरकार देगी। इसके लिए सभी वर्गों के विद्यार्थियों को 12वीं में 85% अंक लाने होंगे। पंचायत में मौजूद छात्रों द्वारा इसकी मांग की गई थी। अकेला मध्य प्रदेश से मेरे बेटा बेटियों, तुम्हें जानकारी है कि नहीं मुझे पता नहीं, मध्य प्रदेश में सामान्य वर्ग के गरीब बेटा बेटियों को भी स्कॉलरशिप देने का फैसला किया तो मैंने किया, प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया। और ऐसे 13 लाख बच्चों को जो सामान्य निर्धन वर्ग के बच्चे हैं, सामान्य वर्ग के निर्धन बच्चे हैं, उनको स्कॉलरशिप देने का काम हो रहा है। और खंडवा जिले के विद्यार्थी गुरुवार को मुख्यमंत्री निवास पर हुई विद्यार्थी पंचायत में शामिल होने भोपाल आए थे। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने स्कूल शिक्षा मंत्री कुंवर विजय शाह से उनके निवास पर बात की। मंत्री कुंवर विजय शाह ने कहा कि आज के समय में प्रकृति का बिगड़ता संतुलन ज्वलंत मुद्दा है, इसके लिए विद्यार्थियों को पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूक होना जरूरी है। इसके लिए उन्होंने विद्यार्थियों से अपने अपने क्षेत्र में जागरूकता अभियान चलाने की बात भी कही। उधर जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा 13 जनवरी को ग्वालियर के डबरा पहुंचेंगे। इसके अलावा मंत्री मिश्रा शुक्रवार 13 जनवरी को दतिया के ग्राम बहादुर में क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन करेंगे। वहीं जनसंपर्क मंत्री 14 जनवरी को दतिया में पिताम्बरा माता के दर्शन के बाद सिविल लाइन्स हायर सेकेंडरी विद्यालय परिसर में आनंद महोत्सव में हिस्सा लेंगे और बिलौनी नौनेर बाईपास रोड का भूमि पूजन करेंगे। नगरी विकास आवास मंत्री माया सिंह ने मध्य प्रदेश विकास प्राधिकरण के कार्यकलापों पर परिचर्चा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि विकास प्राधिकरण जनता की अपेक्षा अनुसार नए विजन और अच्छी सोच के साथ काम करे, जिससे उन्हें सराहना मिले, साथ ही उनके कामकाज पर कोई उंगली नहीं उठा सके। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए एमएस टीवी। नमस्कार। सबिंधु सिंधु सुस्खल तरंग भंग रंजितम द्विचक्षु पाप जात जात द्वारी वारी संयुतम कृतांत दूत काल भूत भीति हारि वर्म त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवि नर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवि नर्मदे नमामि देवि नर्मदे नमामि देवि नर्मदे।